व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज वाईटीडी शक्ति और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रफ्सल ब्लॉग। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला आप सभी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के रिजल्ट के बारे में। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर प्रणाली से यानी कि यूजी एनपीजी में बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर प्रणाली से अध्ययनरत छात्र हैं, उनके काफ़ी कमेंट आ रहे थे उनके रिजल्ट को लेके। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर प्रणाली से अध्ययनरत हैं, उनके रिजल्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं और कौन कौन से सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, बिना समय को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला आप सभी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और आप सभी के रिजल्ट यानी कि परीक्षा फल के बारे में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को इंट्रो में बता ही दिया था और एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि ऐसे कौन से कोर्स और सेमेस्टर हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और ऐसे कौन से कोर्स और सेमेस्टर हैं जिनके रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में हैं और आप सभी अपने रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम अपने रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सबसे पहले आपको आ जाना है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है RMLAU रमलू एग्ज़ाम, सर्च कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास दोबारा से कुछ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या लिख के आ रहा है ना, इस पर आपको करना है क्लिक, ठीक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट लिखा गया है, इसमें जो नोटिस आती है आ जाता पहले और यहाँ पे आपका जो भी ऑनलाइन होता वो रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं व्यूज मार्कशीट लिखा गया है, इस पर आपको करना है क्लिक। तो व्यूज मार्कशीट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास दोबारा से कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं इंटरफेस खुल के हो जाएगा ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है व्यू रिजल्ट और यहाँ पे व्यू रिजल्ट 2022, व्यू रिजल्ट 2023 और व्यू रिजल्ट 2024। तो आपको व्यू रिजल्ट 2024 पे करना है क्लिक, ठीक। तो आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, इन्हीं का रिजल्ट अभी आया है। और पीजी का जो रिजल्ट है किसी भी क्लास का अभी नहीं आया है, किसी भी कोर्स का। और बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अभी भी बाकी है। तो इसमें से जो भी आपका क्लास रहेगा उसको कर लेना आपको चूज, ठीक है, उस पर कर देंगे ना क्लिक। इसके बाद आपके पास यहाँ पे व्यू मार्कशीट लिख के ऊपर आ रहा है, लेकिन इसमें आपके कॉलेज, सभी कॉलेज का नाम रहेगा। तो जो भी आपका कॉलेज रहेगा उसको आपको करना है चूज, ठीक है। अपने कॉलेज को चूज कर लीजिए, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करिएगा, ठीक। जैसे व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं रोल नंबर आएगा, यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के शो रिजल्ट पे कर देना आपको क्लिक, ठीक है। जैसे ही शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं खुल के हो जाएगा ओपन। यहाँ पे आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और रोल नंबर वगैरह दिया रहेगा और यहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आपने पाया है नीचे वो सब दिया रहेगा। तो गाइस, ये थी जानकारी। और बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का यूजी का रिजल्ट अभी नहीं आया है और एमए एमएससी एमकॉम ना तो फर्स्ट का तो थर्ड का रिजल्ट आया है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दूंगा। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई सजेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड आप कोई भी कन्फ्यूजन कोई सजेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप सभी को जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।